चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कितने पेशेंट हैं और उनको कहाँ शिफ्ट किया गया? कनीना के अंदर 3 पेशेंट जो हैं कोरोना पॉजिटिव आए हैं आज, जो कनीना म्यूनिसिपलिटी के अंडर आते हैं और बाकी 4 केसेस जो हैं वो अलग अलग गांव के अंदर आए। इनको कहाँ शिफ्ट किया गया? कुछ को होम आइसोलेशन किया, कुछ को पटीकरा में भेजा गया है। ठीक है सर, जिस प्रकार से हम मार्केट में देख रहे हैं दिन प्रतिदिन भीड़ पर भीड़ आ रही है बिना मास्क, उनको क्या कार्रवाई की गई अब तक? उन पे बिना मास्क वालों पे हम चालान बढ़ा रहे हैं या 188 के अकॉर्डिंग जो है वो केसेस फाइल कर रहे हैं। ठीक, और बाकी हमने जैसे मूवमेंट तो बढ़ गई क्योंकि अनलॉकडाउन जो पोजीशन चली हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें थोड़ा सा हमने अपनी एक सर्वे भी चालू किया है सर, बूथ लेवल का सर्वे हमने अपनी टीमें उतार दी हैं और वो 3 तरह का सर्वे करेंगे। उसमें क्रोनिक डिजीज वाले कितने हैं हर बूथ लेवल पे वो चेकआउट करेंगे, और एक जो कॉन्टैक्ट पर्सन है या माइग्रेंट जो पर्सन है उनको चेकआउट किया जाएगा कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ट्रेस आउट की जाएगी, उनकी सैंपलिंग लेने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेकआउट करेंगे। एक वल्नरेबल सेक्शन जो है ओल्ड एज पर्सन है या जो बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वीमेन हैं, खासकर उनको भी आइडेंटिफाई करके हम उनकी सैंपलिंग बढ़ाएंगे ताकि हम ट्रेस आउट कर सकें और बचा सकें। मास्क के बारे में आगे कुछ? मास्क जो है सभी लोगों से हम अपील करते हैं बगैर मास्क के अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि मास्क डालेंगे तो कोरोना से दो ही चीज़ें बचाती हैं, एक तो अपने फेस को कवर करें और सेकेंडली सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो चीज़ें ही हमारे को बचा सकती हैं। बाकी अब अनलॉकडाउन तो करना ही पड़ेगा। ठीक, लॉकडाउन तो मिले हैं तो वहाँ क्या क्या इंतजाम किए गए? वहाँ BNR के मार्फत से वेरीगेटिंग करवाई गई है और चारों तरफ से सील किया गया, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसमें पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं। सर टोटल कितने केस अब तक कनीना में या आसपास आए? कनीना में 3 केस आज नए आए हैं, एक मोहनपुर में आया है, एक खिराने में आया है। वहाँ भी इसी तरह जो एरिया कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वेरीगेटिंग की गई है और पुलिस पर्सन लगाए गए हैं। ठीक है सर।